बचाए का पाकिस्तान। मरियम के पापा मरियम के चाचू बचाए का पाकिस्तान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? करेंगे तीन बातें जो आज अहमद खान मलिक अहमद खान स्पीकर साहब ने कही है उनमें तीन बातें हैं। एक उन्होंने कहा जी हमें गालियां दी, इन्होंने हमारी लीडरशिप को गालियां दी, और उन्होंने दूसरी बात उन्होंने की कि ये हम तरीका बड़ी देर से कर रहे हैं। मैं उनको दावा करता हूँ कि वो एक गाली निकालना है तो हम मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ दूंगा। और दूसरी बात ये जो करते हैं कि इन्होंने जी असेंबली के अंदर मेरा रिकॉर्ड निकाल लें, अगर मेरी कोई ये गाली हो या मैंने किसी को चोर कहा हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता था कि मरियम के पापा पापी कहते थे मैंडेट चोर है, क्योंकि इन्होंने मैंडेट चोरी की है। इसमें ये मैं पांच लोगों के नाम देता हूँ, मलिक अहमद खान साहब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जहीरुद्दीन चन्नर साहब और समीउल्लाह साहब और राणा इकबाल साहब और हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब। मैं इन पांच लोगों का नाम देता हूं कि ये पांच लोग कुरान पर हलफ दे दें, कुरान पर हलफ दे दें कि इस असेंबली के अंदर 47 वाले एमपीएस इनके नहीं बैठे हुए, अगर ये जाली तरीके से नहीं जीत कर आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बाकी ये जो 15 दिन के ये हमें सुना रहे हैं, ये 15 साल के लिए भी हम पर पाबंदी लगा दे फिर भी हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी इसमें जो मेन बात थी वो उन्होंने अपनी कहा जी आर्टिकल ये लगता है, हमने उनको बताया आर्टिकल 210 के तहत हम सीढ़ियों तक जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी से आपने देखा इधर लीड की गाड़ियां पुलिस की वैगने और ये असेंबली का हमने हमें रोक रहा है, ये इसकी बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। तो मैं अब सबको वादा करना चाहता हूं कि हम इन पाबंदियों से डरने वाले नहीं हैं, हम खान के सिपाही हैं, असेंबलियों के बाहर जंग लड़ेंगे। और ये हमारे जुल्फकार भट्टी साहब हैं, ये भी हमारे साथ हैं, ये भी इनको भी खत्म कर दिया, अभी जांच अभी इनको भी निकाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जी। ये कल जो टिकटॉकर वज़ीर-ए-आला को खुश करने के लिए मलिक अहमद साहब, मैं मलिक अहमद साहब को समझता था कि ये बहुत अच्छे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस को भी डिस्प्यूटेड किया है और जो उन्होंने आर्डर किए हैं बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी हैं। हम उनके इन थ्रेट से, इन चीज़ों से कभी भी डरने वाले नहीं हैं। हम आज भी कल भी खान के साथ थे, इसके लिए हमें 15 साल हमें जो भी सजाएं दे दें, जो भी हमारे साथ फरौनियत कर ले, गुंडागर्दी कर ले, सजाएं दे लें, लेकिन हमारे खून के आखिरी कतरे तक हम खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। आपका क्या ख्याल है कि उसके सामने एहतजाज भी क्यों ना करें? और मैं स्पीकर साहब को ये कहूंगा कि आपने हमारे 11 एमपीएस को सस्पेंड किया, मुझे ये बता दें कि तमाम तर जो आपकी उसकी वीडियोज हैं बनी हुई हैं, तो आप मुझे इतना बता दें कि क्या वो वीडियोज में कहीं भी आपको नजर आ रहा है कि हमने अपोजिशन बेंच से आगे जाके कुछ किया है?
पार्टी से बड़े बड़े वाकयात असेंबली में हो चुके हैं और ये एक शहनशाहियत का और फस्टाहियत का दौर है। देखिए मैं स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूंगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। आप असेंबली के कस्टोडियन हैं, स्पीकर साहब जो होते हैं वो असेंबली के कस्टोडियन होते हैं। आपने आज दिन तक जो बयानात सियासी आप दे रहे हैं आपको तो वो भी नहीं देने चाहिए। और दूसरी बात, आप आके सियासी बयान देते हैं, आप लोग मुतनाज़ा हो चुके हैं। आपने कल हमारे 11 MPs को सस्पेंड किया और आज हम जब गए और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को अंदर नहीं जाने दिया, कल उनको बकायदा रोका गया। फिर अब मुझे ये बता दिया जाए कि क्या अपोजिशन का एहतजाज हक नहीं है? क्या उन्होंने जो एहतजाज हमने किया है वो चेक करें, हमारा हक नहीं है? अब अगर आपके वजीर आला साहबा जो जेली वजीर आला है वो तशरीफ लाएं और हम उनके आदाब में साथ सलाम अर्ज करें तो इसलिए आप खुश होंगे। मेरा जो ख्याल है कि स्पीकर साहब अपनी पोजीशन को मुतनाज़ा कर चुके हैं और हम स्पीकर साहब को ये कहेंगे कि आप अपनी पहले पोजीशन क्लियर करें। जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पीकर साहब करके हमारे ऊपर यक तरफा इल्जाम लगा रहे हैं तो कम अज कम आपको ये देखना चाहिए कि आप असेंबली के कस्टोडियन हैं और स्पीकर एक पार्टी का स्पीकर नहीं होता। आप इनको पंजाब हुकूमत की खुश नीति हासिल करने के लिए आपने ये सारा काम किया है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या हमारा एहतजाज करना हमारा हक नहीं है? कल चौधरी परवेज इलाही के दौर में आपने तो कुर्सियां भी तोड़ी थी, आपने तो स्पीकर के पास जाके उन पे हमले किए थे। देखिए इस तरह नहीं चलेगा, हम नहीं झुकेंगे, हम इस पंजाब हुकूमत के आगे बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और मैं पंजाब हुकूमत की टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर को ये बता देना चाहता हूँ कि हम तो उनके आगे नहीं झुके जिनके आप पैरों में बैठे हैं, आपके आगे हम कैसे झुकेंगे? हमारे 11 MPs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है और जब तक हमारे MPs अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे, हम अंदर भी इनके साथ मुकाबला करेंगे और बाहर भी मुकाबला।